नमस्कार, मैं अशोक अत्री, डायरेक्टर भोजपुरी फिल्म बैरीगंगा 2। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बैरीगंगा 2 6 जुलाई 2018 को बिहार और झारखंड के समस्त सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये एक बड़ी अद्भुत फिल्म है, लीक से हटकर है। सबसे अच्छी बात कि इसमें हमारे शास्त्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तंत्र और योग। मैंने उसी को पिरोकर एक कहानी बनाई है। मेगा स्टार रवि किशन, जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अद्भुत एक्टर हैं और शायद ये फिल्म उन्हीं के लिए था, ऐसा हम लोग का अनुभव है, मुझे लगता है। असली जज तो आप लोग हैं, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको अलग सी चीज नजर आएगी, एक अलग दुनिया नजर आएगी। आपको कहीं ना कहीं अनुभूत होगा कि जो आपने सुना है, जाना है समाज में, वो चीज मैंने आपके सामने एक अलग अंदाज में पेश किया है। कहानी तो लव स्टोरी है, प्यार प्यार कभी खत्म होता नहीं, कभी शांत होता नहीं है। फिल्म 6 जुलाई को रिलीज हो रही है, ये भी आप जान चुके हैं। आपका भरपूर सहयोग, आपका प्यार मिलेगा, आप देखने जाएंगे, मुझे विश्वास है। देखने के बाद जज आप हैं, जो भी बताएंगे, जो कमियां बताएंगे, उसको मैं जरूर अगली बार दूर करने कोशिश करूंगा। बैरीगंगा 3 भी बहुत जल्द शुरू होगी और आपको यकीन दिलाता हूं वो एक और अलग दुनिया की फिल्म होगी। फिलहाल बैरीगंगा 2 का कुछ ऐसा सेट का अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं जो शायद मैंने किसी सेट पे सुना नहीं है, लेकिन अपने सेट पे मैंने अपने आंखों से देखा है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे यूनिट के लोगों ने भी देखा है। रवि जी एक मेगा स्टार हैं, ये तो सभी जानते हैं। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, ये भी सभी जानते हैं। हर हर महादेव उनका नाद रहता है, लेकिन कुछ चीजें जो लोग नहीं जानते मैं वो शेयर करना चाहता हूं। हम लोग सेट पे शूट कर रहे थे, जिमी जीप लगी थी, ट्रॉली, दो दो कैमरे सब लगे हुए थे। जिस जगह हम शूट कर रहे थे, हमें पता चला था कि पहले वो शिवालय था, अब खंडहर हो गया है और कोई वहां आता जाता नहीं है। मुझे कुछ ऐसे ही जगह की तलाश थी, मैं वहां पे सेट लगवाया, काली माँ की एक मूर्ति लगाई, हवन कुंड बनाया और एक बैठने का जगह जहां साधना करते हैं आमतौर पे आध्यात्मिक लोग, मैंने वो जगह सब क्रिएट किया, करवाया लोगों से। ऑफ कोर्स मैं नहीं, मेरी पूरी टीम ने मिलकर क्रिएट किया। इसके बाद वैनिटी वैन में मैं गया जहां रवि जी तैयार हो रहे थे। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि योग क्या है, तंत्र क्या है और कैसे मैंने क्या क्या पढ़ा है किताबों में, वो पूरा मैंने जिस्ट उनको बताना शुरू किया। वो कपड़ा पहनना भूल गए पहली बार और मुझे सुनने लग गए, क्योंकि वो आध्यात्मिक हैं इसलिए उनको उसमें अच्छा लगा, उनको रुचि लगने लग गई, थोड़े से गंभीर भी हुए। और फिर ड्रेस पहन के जब हम लोग शूट स्टार्ट किए तो हमने उन्हें बताया कि सर ये आपकी पोजीशन है, यहां आपको बैठना है और ध्यान करना है, ध्यान की मुद्रा लेके बैठेंगे तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा गिनूंगा, 7 कुंडलिनियां जागृत होंगी जो बाद में आप लोग फिल्मों में VFX के थ्रू देखेंगे, दिखाई पड़ेगा आपको। और फिर हम लोग इधर जिमीजीप और क्रेन ट्रॉली सॉरी जो लगा रखा था उससे हम शूट करने के लिए भिड़ गए। हमने कहा एक्शन, रवि जी साधना मुद्रा में चले गए साधने में। अब वो पहले तो जय माँ काली का उन्होंने नाम लिया और धीरे धीरे वो आवाज उनकी गायब हो गई। हमें लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, आदमी लग रहा है कि वो आ गई, मैं डेप्थ में चला गया। शूट वो शॉट खत्म हो गया, दूसरी जगह शॉट लेना था, मैंने बोला कट। कट बोलने के बाद आमतौर पे एक्टर आंख खोल देता है, नॉर्मल मूड में आ जाता है, लेकिन कट मैंने बोला तो रवि जी ने आंख ही नहीं खोला, वो उसी मुद्रा में रह गए। बल्कि आपको एक अद्भुत चीज बताऊं, वो एक अलग झटका सा लगा उनके गर्दन को, झटका लग रहा था। ये जैसे मैं बताता हूं थोड़ा सा अशुद्ध अंदाज में कि जैसे आंख बंद है ऐसे कर रहे हैं, ऐसा एक अजीब सा उनको झटका सा लगा। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन चीजों में डूबा हुआ था तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मैं गया धीरे से उनके कंधे पे हाथ रखी मैंने और उन्होंने झटके से आंख खोली, मुझे देखा, हाँ हाँ
तो मैंने कहा सर शॉट ओके हो गया है, अब हम लोग दूसरे अंदाज में लेने वाले हैं। बोले हैं, खड़े हो गए। और वो उस वक्त जब खड़े हुए थे तो मैंने उनका हाथ इत्तेफाक से जो पकड़ा हुआ था, मुझे कंपन नजर आ रहा था, कांप रहा था, ये हाथ ऐसे शिवरिंग्स हो रहे थे और चेहरे पे भी अजीब सा था। शुभी जी बैठी हुई थी, वो भी मतलब हैरान रह गई उनके इस रूप को देख के। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेके वैनिटी वैन में गए। आपको पता है वैनिटी वैन में उन्होंने क्या बोला? बोले अशोक ये कोई अद्भुत जगह है, मैं तो पागल हूं, मैं तो अजीब से मूड में चला गया था, मुझे पता लग रहा था कि मैं कहीं और जा रहा हूं, ये तो अच्छा हुआ तुमने रोक दिया। अरे यार यहां से शूट खत्म करो, मैं शाम तक यहां काम नहीं करूंगा, ये कोई पवित्र जगह है, बस इधर गंदा मत करो। फिर उन्होंने खुद अनाउंस किया यहां कोई पान नहीं खाएगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, सब बंद करो। कैसा लगा आपको सुनकर? ये सच घटना है और आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको उस फिल्म के अंदर वो जो झटके वाला जगह है ना, उसको जब देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि ये वही पोजीशन है जब रवि जी वाकई में अध्यात्म में चले गए थे, ध्यान में चले गए थे। फिर हम लोगों ने 6 बजे के पहले फिल्म पैकअप, वहां शूटिंग पैकअप कर दिया, क्योंकि भाई सभी सहम गए थे हल्के फुलके। तो कभी कभी ऐसे वाकये होते हैं और ऐसे वाकये हुए, अद्भुत फिल्म बनी। माँ विंध्यावासिनी के आंचल में उनकी गोद में हमने ये फिल्म बनाई है। कैसा लगा, कैसा लगेगा आपको, ये जरूर आप हमको एक फीडबैक दीजिएगा, जरूर बताइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि फिर कभी फिल्म बनाऊंगा, इन चीजों को सुधार के आपके पास आऊंगा। मैं चाहता हूं आप फिल्म में एंजॉय करें, कुछ चीजें सीखें, कुछ जानें, कुछ मुझे सिखाएं, कुछ मुझे बताएं। इसी के साथ, पूरी आशा के साथ कि आप 6 जुलाई 2018 को बिहार और झारखंड में मेरी फिल्म बैरी कंगना को देखने जरूर जाएंगे। नमस्कार।